हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पार्ट 6 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों मेरा एक सवाल। तो इस पार्ट को इससे पहले वाली वीडियो में हमने अच्छे समझ लिया है और इस वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तर व अभ्यास प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों की ओर। बच्चों, इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे इसका क नंबर वाला प्रश्न है वो है, किसान ने भारत माता का सवाल किस तरह सुलझाने की बात कही है। तो जो बच्चों किसान है वो कहता है कि मैं आपकी धरती पर, यानी इस धरती पर अन्न से अन्न उगाऊंगा और इस धरती को हरी भरी कर दूंगा, जिससे यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो खुशहाल हो जाएंगे। इस तरीके से मैं आपका सवाल सुलझाऊंगा या फिर समझाऊंगा या फिर हल करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, किसान दिन रात अथक परिश्रम कर खेतों में खूब अन्न उगाकर चारों ओर हरियाली और खुशहाली लाकर भारत का सवाल सुलझाने की बात कही है। तो यहाँ पे बच्चों जो अथक परिश्रम दिया है, तो अथक परिश्रम का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करके, यानी किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा जिससे कि वो यहाँ पर खेतों में बहुत ज़्यादा अन्न उगाएगा। ठीक है, जब खेतों में अन्न उगेगा तो चारों तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। ठीक है, हरियाली जो फसलें होती हैं बच्चों वो हरी हरी होती हैं, जिससे कि भारत माता की जो धरती है वो कैसी हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी, और उससे जो उपज होने वाली फसलें हैं उससे भारत के लोग खुशहाल हो जाएंगे। इस तरीके से भारत माता के सवाल का हल करेगा ये किसान। ठीक, जो ख नंबर वाला प्रश्न है वो है, ज्ञान का दीप जलाकर कौन सी समस्या हल करने की बात कही गई है। तो बच्चों जो ज्ञान का दीप जलाकर, जो अज्ञानता का विकराल अंधकार है भारत देश में, उसे हटाने की या फिर उस सवाल के को हल करने की बात कही गई है। ठीक है, जो अज्ञानता है बच्चों वो बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। अज्ञानता के कारण बहुत सारे अंधविश्वास आते हैं और बेरोजगारी आती है, जिससे कि जो भारत की खुशहाली है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो उस अज्ञानता की जो विकराल समस्या है, उस समस्या को हटाकर ज्ञान के दीप से, यानी भारत के लोगों को पढ़ा लिखा कर, ठीक है, उस अज्ञानता के अंधकार को हटाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर हम बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, ज्ञान का दीप जलाकर अज्ञानता जैसी विकराल समस्या, विकराल मतलब बहुत बड़ी समस्या है बच्चों, ये अज्ञानता जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, विकराल समस्या को हल करने की बात कही है। अब देख लेते हैं बच्चों जो अगला प्रश्न है, जो ग नंबर का प्रश्न है वो है, उत्पादन कौन बढ़ाता है। तो उत्पादन भारत के जो मजदूर वर्ग है वो बढ़ाता है। ठीक है, तो उत्पादन का अर्थ है जो भारत में जो बनने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे उसमें बिल्डिंग्स हों, ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं जो भारत में बन रही हैं, तो वो कौन बना रहा है, मजदूर वर्ग बना रहा है। ठीक है, तो उत्पादन बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मजदूर। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, उत्पादन मजदूर बढ़ाता है। तो ये बच्चों थोड़ा सा गलत हो गया है, ये ता है। ठीक है, उत्पादन मजदूर बढ़ाता है। ठीक, अब देख लेते हैं बच्चों जो ग नंबर वाला प्रश्न है वो है, शिक्षक भारत माता का सवाल कैसे हल करेंगे। तो बच्चों शिक्षक हमारे यहाँ के जो आगे आने वाली पीढ़ी है, यानी जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएंगे, जिससे कि वो भारत के भविष्य को अच्छा बनाएंगे वो बच्चे। ठीक, तो इस तरीके से भारत माता के सवाल को हल करने में वो मदद करेंगे शिक्षक। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, शिक्षक भावी पीढ़ी को पढ़ा लिखा कर, ठीक है, भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी, जो छोटे बच्चे हैं अभी, ठीक है, आने वाली पीढ़ी है, उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाकर, योग मतलब इस लायक बनकर कि वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकें, हमारे देश को देश और दुनिया में आगे बढ़ा सकें। ठीक है, इतने योग्य बनकर भारत माता का सवाल हल करेंगे। ठीक, जो अगला प्रश्न है बच्चों, जो 16 नंबर का प्रश्न है वो है, भारत माता ने किस किस से सवाल किया है और उनकी सूची बनाइए। ठीक है, तो भारत माता ने किसानों से, सैनिक से, मजदूर से, विद्यार्थी से तथा शिक्षक से, इन सभी वर्गों से सवाल किया है, क्या आप मेरे सवाल का हल कैसे करेंगे। ठीक है, आप मुझे आगे बढ़ाने में, देश और दुनिया में आगे बढ़ाने में मेरी मदद कैसे करेंगे। तो अब बच्चों जो इस पार्ट का प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, सूरज उगते समय किस दिशा में लाली दिखाई देती है। तो बच्चों जिस दिशा में सूरज उगता है उसी दिशा में लाली दिखाई देती है, तो हमें पता है कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्व में। ठीक, कहाँ पर, पूर्व में, पूर्व दिशा की ओर हमें लाली दिखाई देती है। सुबह सुबह अगर हम जल्दी जगें, अगर पूर्व की ओर देखें, तो हमें जो आकाश है वो लाल लाल सा नज़र आएगा। ठीक, जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, देश की सीमाओं की रखवाली कौन करता है। तो देश की सीमाओं की रखवाली सैनिक करते हैं, हमारे देश के जो बहादुर सैनिक हैं वो देश की सीमाओं की रखवाली करते हैं। तो यहाँ पे जो ग नंबर वाला हमारा विकल्प है वो सही हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वो है ये भाषा अध्ययन का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार अन्य शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया है, जैसे कि ढोल, तो ढोल के आगे लिखा है बोल, गोल, मोल, तोल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन शब्दों का जो उच्चारण है वो एक समान है, इसी तरीके के एक समान वाले उच्चारण वाले शब्द हमें आगे भी लिखना है।
तो यहाँ पे लिखा है भाल, तो भाल का हो जाएगा चाल बाल गाल ताल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चाल बाल गाल और ताल, इस तरीके से बच्चों। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो उच्चारण आ रहा है, जैसे बाल चाल भाल बाल गाल ताल, ठीक है, ये भाल है, तो इनका जो उच्चारण है वो एक समान है, ठीक। इसी तरीके से आगे भी देखेंगे, हल हल का हो जाएगा चल पल कल नल, चल कल पल और नल। इसमें यहाँ पे हमने देखा कि जो लास्ट वाला जो वर्ण है वो एक जैसा है, जैसे यहाँ पे ला है तो यहाँ सभी पे ला आ रहा है, ठीक है, आगे वाले वर्ण बदल रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे ला है लास्ट में, तो यहाँ पे भी सब में ला आ रहा है, इसलिए इनके उच्चारण जो है वो समान हो रहे हैं। माता, तो ये हो जाएगा भाता जाता आता और नाता। अगला जो शब्द है वो है बच्चा, इसका हो जाएगा सच्चा कच्चा, सच्चा कच्चा आगे लिखेंगे हम लुच्चा लुच्चा और गच्चा। तो बच्चों इस प्रकार इस प्रश्न को भी हम हल कर लेंगे। अब देख लीजिए बच्चों अगले प्रश्न को, ठीक। जो प्रश्न क्रमांक 2 है भाषा अध्ययन का, वो प्रश्न को हम देखते हैं। ये है, अगर पहले खाने में लिखी हुई पंक्तियों को लड़की कहे तो किस तरह कहेगी? दूसरे खाने में लिखिए, यदि लड़का लड़की दोनों मिलकर वही पंक्ति बोलें तो किस तरह कहेंगे? उसे तीसरे खाने पे लिखिए। तो यहाँ पे हम बच्चों एक टेबल देख रहे हैं, ठीक है, इस टेबल को ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक चित्र दिया है, इस टेबल में चित्र दिए हैं, जैसे कि ये एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़की हो, यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों है, ठीक है, लड़का और लड़की दोनों है। तो एक ही बात को अगर लड़का कहता है, तो जैसे मैं पढ़ लिख कर मैटूंगा जंजाल, तो ये लड़का इस तरीके से कहेगा। इसी बात को अगर लड़की कहेगी तो कैसे कहेगी? मैं पढ़ लिख कर मैटूंगी जंजाल, ठीक, इस तरीके से। और ये दोनों मिलकर इस बात को कहेंगे तो कैसे कहेंगे? हम पढ़ लिख कर मैटेंगे जंजाल, ठीक। अब यहाँ पे हमें जो का नंबर वाला दिया है, मैं उत्पादन बड़ा करूँगा तुझको माला माल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसी बात को अगर लड़की कहे तो वो किस तरीके से कहेगी? तो यहाँ पे आएगा मैं, ठीक है, उत्पादन बड़ा करूँगी, बड़ा करूँगी करूँगी तुझको माला माल, तुझको माला माल, ठीक, इस तरीके से ये लड़की बोलेगी। बस यहाँ पे करूँगा की जगह पे ये करूँगी आ गया, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा, करूँगा की जगह पे करूँगी आ गया, ठीक। अब इसी तरीके को ये लड़का और लड़की दोनों मिलके बोले तो ये क्या हो जाएगा? मैं की जगह पे आ जाएगा हम उत्पादन बड़ा, उत्पादन बड़ा, अब ये करूँगी करूँगा की जगह पे आ जाएगा करेंगे, ठीक है, करेंगे करेंगे तुझको माला माल, तुझको माला माल, ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से करना है बच्चों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या आएगा, उस हिसाब से आप भी कर लीजिएगा। जैसे मैं खेतों में अन्न उगा कर दूंगा खुशहाल, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये बात किसने कही है? लड़की ने कही है। इसी बात को अगर लड़की कहे तो क्या आएगा? मैं खेतों में अन्न उगा कर दूंगा, दूंगा की जगह पे क्या आ जाएगा? दूंगी, बस इतना सा अंतर आएगा, दूंगी, ठीक है, दूंगी खुशहाल, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे दूसरा वाला जो ये लड़का और लड़की दोनों बोलेंगे तो ये मैं की जगह पे क्या आएगा? आ जाएगा हम, ठीक है, बाकी सेंटेंस वैसा के वैसे ही, हम खेतों में अन्न उगा कर दूंगे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा देंगे, कर देंगे खुशहाल, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा? देंगे, ठीक। और बाकी जो वाक्य है वैसा के वैसे ही आएगा, ठीक। पढ़ लिख कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल, तो ये लड़की ने कहा है, तो ये लड़की अगर कहेगी पढ़ लिख कर हल कर दूंगी, ठीक है, यहाँ भी दूंगी हो जाएगा, दूंगी, और बाकी सेंटेंस वैसा के वैसे ही आएगा, दूंगी तेरा एक सवाल, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ये लड़का और लड़की दोनों बोलेंगे तो ये आएगा पढ़ लिख कर हल कर देंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे देंगे हो जाएगा देंगे, ठीक है। बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे के ऐसे आएगा, तेरा एक सवाल, ठीक है। अब जो गा वाला है वो है ज्ञानदीप से हल कर दूंगा तेरा एक सवाल, ठीक है। तो यहाँ भी दूंगा की जगह पे क्या हो जाएगा, दूंगी। क्या बनेगा सेंटेंस, ऐसे बनेगा, ज्ञानदीप से हल कर दूंगी तेरा एक सवाल, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ज्ञान, जब ये लड़का और लड़की दोनों बोलेंगे तो क्या आएगा, ज्ञानदीप से हल कर देंगे देंगे तेरा एक सवाल, तो ये भी दूंगा की जगह पे क्या हो जाएगा, देंगे। इस तरीके से ज्ञानदीप से हल कर देंगे तेरा एक सवाल, इस तरीके से बच्चों ये टेबल भी हमारी कंप्लीट होती है। अब बच्चों जो भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 3 है वो है, पढ़िए समझिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पे दिया है हमें, जैसे कि एक उदाहरण दिया है, पढ़ लिख कर, तो इसका क्या हो गया, पढ़ा लिखा कर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काम को खुद किया जा रहा है और ये दूसरे के लिए, दूसरे से काम करवाया जा रहा है, ठीक है। पढ़ लिख कर मतलब कोई इंसान खुद ये काम कर रहा है और ये दूसरे से करवा रहा है, पढ़ा लिखा कर, ठीक है। इसी तरीके से ये खा पी कर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा खिला पिला कर, क्या आ जाएगा, खिला पिला कर, पिला कर, ठीक। अगला है चल फिर कर, तो ये हो जाएगा चला फिरा कर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चला फिरा कर, फिरा कर। अगला है लड़ भिड़ कर, तो ये हो जाएगा लड़ा भिड़ा कर, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लड़ा भिड़ा कर, भिड़ा कर। अगला है मिलजुल कर, तो ये हो जाएगा मिला जुला कर, ठीक है। घूम फिर कर, तो ये हो जाएगा घुमा फिरा कर, ठीक, घुमा फिरा कर, फिरा कर। इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न भी हमें अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, वो क्या कहता है कि सोचिए और लिखिए, मतलब हमें सोचकर सोच समझ कर इसका उत्तर देना है, क्या होगा यदि, अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। किसान हल नहीं चलाए तो, किसान हल नहीं चलाएगा तो बच्चों अन्न उत्पन्न नहीं होगा या फिर खेती नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे खेती नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। इसे अगर थोड़ा और विस्तृत रूप से हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि खेती नहीं होगी, जिससे कि जो मनुष्य जाति है वो भी खत्म हो सकती है उसे, क्योंकि खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा है और हर मनुष्य के लिए खाना यानी खेती आवश्यक है, ठीक। तो प्राणी जात जो खेती नहीं होगी तो जो मनुष्य जाति है वो खत्म हो सकती है, ठीक। खाएं छात्र पढ़ाई नहीं करें तो वो योग्य नहीं बन पाएंगे, ठीक है, क्योंकि योग्यता अधिकतर योग्यता पढ़ने लिखने से ही आती है, ठीक। तो हम लिखेंगे वह योग्य नहीं बन पाएंगे, वह योग्य नहीं बन पाएंगे, बन पाएंगे। अब ये प्रश्नों के उत्तर बच्चों हमारी सोच पे निर्भर करती है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या हो सकता है कि मेरा सोचना ये, आपका सोचना कुछ और हो, तो आप लिख सकते हैं कि वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे या फिर अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप भी सोच सकते हैं और आपके जो यहाँ पे विचार हो यहाँ पे उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन एक बार अपने जो टीचर्स हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, तो वो उसमें और कुछ सुधार करना होगा तो वो सुधार कर देंगे। जो गा नंबर वाला है वो है सब मिलकर कार्य नहीं करेंगे, तो सब मिलकर अगर कार्य नहीं करेंगे तो हमारा जो देश है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हमारा देश उन्नति नहीं कर पाएगा, ये शब्द मुझे सही लग रहा है, उन्नति नहीं कर पाएगा, उन्नति नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है बच्चों। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।